प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल में वर्त की परिधि और क्षेत्रफल इसमें हम बात कर रहे थे 15.2 में। ये 15वीं प्रश्नावली थी। 15.2 में हम बात कर रहे थे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और उनके चाप की लंबाई। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन पीछे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसकी परिधि 22 सेमी है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो देखिए, ये होता है हमारे पास वृत्त चतुर्थांश, होता है चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। यानी जब दो व्यास एक दूसरे को परस्पर लंब पर विभाजित करते हों तो वो चारों भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। ये वृत्त चार बराबर भागों में बंटा है, ये चारों ही पार्ट चतुर्थांश कहलाते हैं। अब इस पूरे वृत्त की परिधि दी गई है हमें 22 सेमी। तो इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें चार का भाग दे दें। एक इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें, वृत्त के क्षेत्रफल में चार का भाग दे दें। जो सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें चार का भाग दे दें तो भी इसका निकल जाएगा। एक ऐसा है कि इस पूरी परिधि की लंबाई जो दे रखी है हमें 22 सेमी, उसमें चार का भाग दे दें तो इस चाप की लंबाई आ जाएगी और उसमें तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी परिधि से। तो त्रिज्या अगर आ जाए, चाप की लंबाई आ जाए, तो हम इसका क्षेत्रफल 1/2L × r से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे सरल जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वृत्त की परिधि दी है हमें, वृत्त की परिधि दे रखी है हमें 22 सेमी। जब तक हमारे पास त्रिज्या आएगी नहीं तब तक क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, क्योंकि चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र जो है पहले मैंने आपको लिखवाया था वो होता है 1/4 पाई आर की स्क्वायर। आर बोलते हैं त्रिज्या को। जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं आएगी तब तक हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र कोई काम में नहीं आएगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए, परिधि से त्रिज्या निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि सूत्र के बराबर मान लिखना होता है। जैसे परिधि का सूत्र है 2πr, तो इसके बराबर इसका मान है 22। 2 × 22/7 × r बराबर है 22। r अगर हमें ज्ञात करनी है तो 22, ये 2 और 22 ऊपर है ये संख्या तो नीचे आएगी, और जो 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। या 3.5 भी लिख सकते हैं 7 में 2 का भाग देकर।
अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा एक बटे चार पाई आर की स्क्वायर, एक बटे चार गुणा पाई का मान 22/7, गुणा में आर है हमारे पास 7/2 गुणा 7/2। आर की 1/4 सूत्र में है, गुणा में पाई का मान 22/7 होता है, गुणा में आर की स्क्वायर है, आर का मान 7/2 है, तो स्क्वायर है तो दो बार लिखा जाएगा 7/2 गुणा में 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 × 22 हो जाएगा, 11 × 7 = 77 तो ऊपर आ जाएगा और 4 × 8 नीचे आ जाएगा। आप 77/8 भी दिख सकते हो, लेकिन बात वही हुई जो मैंने पिछले वीडियो में 6वीं 7वीं 8वीं वाले वीडियो में बताया था कि ये जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न में उत्तर दें या दशमलव भिन्न में। तो अगर दशमलव भिन्न में उत्तर देना है तो 77 में 8 का भाग दे दो, 9 × 8 = 72, बच गए 5.0, 8 × 6 = 48, बच गए 2 × 0, 8 × 2 = 16, बच गए 4 × 0, 8 × 5 = 40। तो ये आ गया आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक घड़ी के घंटे की सुई एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, सुई द्वारा सत्तर मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि मिनट की सुई जो है घड़ी में पता है घंटे मिनट और सेकंड की सुइयाँ होती हैं। मिनट की सुई बताया था आपको कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है कि मिनट की सुई 1 राउंड पूरा कर देती है 60 मिनट में, और 60 मिनट में वो 360 डिग्री के कोण पर घूमती है। तो 60 मिनट में 360 का कोण वो बनाती है, तो फिर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है। ये मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था पूरा। अब बात करते हैं हम घंटे की सुई की। तो देखिए, घंटे की जो सुई है वो हमें पता है कि वापिस इसी स्थान पर आने के लिए 12 घंटे खर्च करेगी, यानी चारों ओर का एक चक्कर पूरा अगर घंटे की सुई को करना पड़े तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी। जैसे मिनट वाली तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देती है 1 घंटे में, लेकिन घंटे वाली को 12 घंटे वापिस लगते हैं आने में। तो 12 घंटे में अगर मिनट बनाएं हम तो 720 मिनट होते हैं। अगर 12 घंटे की मिनट बनाएं तो 720 मिनट होते हैं। जैसे यहाँ 12 है तो एक एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ऐसे घड़ी पे यहाँ से ये सुई वापस यहाँ आने में 12 घंटे यानी कि 720 मिनट का समय लेती है। घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ। अब घंटे की सुई सात सौ बीस मिनट में 360 का कोण बनाती है। कि 720 मिनट के अंदर घंटे की सुई 360 डिग्री के कोण पर घूमती है। और यदि एक मिनट के कोण की बात करें हम, एक मिनट में घंटे की सुई, सुई अच्छी तरह याद रखना, कहीं मिनट वाली का घंटे वाली में, घंटे वाली का मिनट वाली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। घंटे की सुई एक मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी 360 बटे में 720, काट दीजिए 36 सेकंड 36 दूनी 72, आधे डिग्री का कोण बनाती है। यानी मिनट वाली सुई तो एक ही मिनट में बनाती है 6 डिग्री का कोण, और घंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में बनाती है आधे डिग्री का कोण। दोनों बातें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। समझ सको तो घड़ी को देख करके आप समझ सकते हो कि ये किस प्रकार से 6 डिग्री का बनाती है, ये किस प्रकार से आधे डिग्री का बनाती है। वैसे मैंने दोनों बातें अच्छी तरह बता दी हैं। देखें तो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए थीटा बराबर आधा डिग्री गुणा में 70, क्योंकि 70 मिनट में जो कोण बनेगा उसका पता लगाना है। तो एक मिनट में आधे का बनाती है तो 70 मिनट में कितने का बनाएगी, गुणा करने पर पता चल जाएगा 35 डिग्री का कोण बनेगा। और R बराबर सुई की जो लंबाई है वही R होगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7, आर हमारे पास है 5, आर की स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 दो बार लिखेंगे, गुणा में थीटा का मान है 35 बटे में आ जाएगा 360। अब देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, 22 × 5 = 110 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, बटे में 360 हो गया, 0 से 0 कट जाएगी। अब देखिए गुणा करें, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 × 27 बटे में आ गया 36। अब 275 में 36 का भाग दे दें तो उत्तर आ जाएगा हमारे सामने, तो 7 × 21 7 पे भाग जाएगा, 7 × 6 = 42 का 2 * 4, 7 × 21 = 25 252। 5 × 2 = 3, 7 × 5 = 2 दशमलव और 0। 6 पे चला जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 2 × 19 = 21 बच गए 14 और 0। और अब चला जाएगा 5 पर,
पाँच छः के तीस, पाँच तीन पंद्रह, चार पर तीन पर, छः तीन अठारह, तीन तीन नौ और एक दस, एक सौ आठ। तो ये आ जाएगा हमारे पास उत्तर सात पॉइंट छः तीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो घड़ी के घंटे की सुई है वो तो हो गई त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या के स्थान पर सुई होती है, ये है सुई, तो ये तो हो गई त्रिज्या, यानी आर की लंबाई हो गई पाँच सेंटीमीटर। अब ये 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसके लिए ये ध्यान में होना चाहिए कि घंटे की सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो फिर थीटा का मान निकालना हो तो 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आधा गुणा 70 बराबर 35 डिग्री का कोण बनेगा। अब थीटा का मान भी आ गया, आर का मान भी आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब 35 डिग्री का कोण बनेगा तो इतना सा बनेगा इस प्रकार से, यहाँ आएगी ये और ये त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल बताना है, ये सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22 बटे 7 गुणा में आर 5 गुणा में 5 गुणा में थीटा का मान 35 और बटे में 360। अब 7 पाँच 35 कट जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे 5 आ जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 5 ऊपर रह गया, 22 पाँच 110 आ गया, 5 पाँच 25 आ गया, बटे में 360 आ गया, 0 से 0 कट जाएगी, 11 का गुणा 25 से करें 275 बटे में 36 और 36 का ये भाग अभी अभी आपके सामने दिया गया है, तो उत्तर आ जाएगा 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन नौवां, क्वेश्चन नंबर 9। एक आकृति दी गई है, इस प्रकार से आयताकार आकृति है, ये भुजा इसकी 10 सेमी है और ये भुजा इसकी 7 सेमी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है, इस पे 3.5 सेमी त्रिज्या के इस प्रकार से त्रिज्या खंड काटे गए हैं, ये भाग छायांकित है इसका, ये त्रिज्या खंड काट रखे हैं, ये चार त्रिज्या खंड काटे गए हैं जिनकी त्रिज्या 3.5 है, आर जो है वो हर एक की 3.5 ही है, तो सीधी सी बात यह है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और यदि किसी त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री का हो जाए, कोई भी वृत्त हो, अगर इस वृत्तखंड के अंदर उसका कोण 90 डिग्री का हो जाए तो ये जो भाग होता है ये चतुर्थांश कहलाता है, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा हो जाता है ये। तो यहाँ पर हमें पता है कि आयत के कोण 90-90 के होते हैं, इसलिए ये प्रत्येक भाग जो हमें दिखाई दे रहा है ये चतुर्थांश है और प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है, इसका मतलब चारों पार्ट जोड़ने पर एक वृत्त बनेगा। तो आयत के क्षेत्रफल में से यदि हम इन चारों को जोड़ करके एक वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच वाला जो छायांकित भाग है यही बचेगा। तो लिखते हैं आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आयत की 7 सेंटीमीटर और प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होगा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरी बड़ी आकृति है वो आयत है। आयत के क्षेत्रफल में से एक दो तीन चार, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाना है। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यानी चारों एक जैसे हैं, चारों की त्रिज्या बराबर है, इसलिए चार से गुणा कर दें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है एक बटे चार पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर होता है। वृत्त में चतुर्थांश चार होते हैं, इसलिए चार से गुणा हो गया, नहीं चार से भाग हो गया, और ये चार पार्ट हैं इसलिए चार से गुणा कर दिया। चार से चार कर, लंबाई है 10, चौड़ाई है 7, माइनस पाई का मान हो गया 22/7 या 3.14 भी लगा सकते हो। पाई का जो मान है वो 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। आर दे रखी आपको 3.5, तो 3.5 गुणा में 3.5 ये आ गया 10 × 7 = 70। माइनस इसको काटें तो 7 × 5 = 35, 0.5। 22 का गुणा 5 से करें तो 22 × 5 = 110, एक अक्षर पर पॉइंट, गुणा में 3.5। 70 माइनस 11 गुणा 3.5, ये जीरो जो है दशमलव के बाद में है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये 70 माइनस 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 = 38। अब करना हमें घटाओ, तो 70.00 लगा करके 38.5 घटाना है, ये 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आगे देखें प्रश्नावली 15.3। में हम पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन सॉरी संयोजन आकृतियों का संयोजन। संयोजन शब्द का मतलब है कि एक दूसरी आकृति आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे पीछे एक प्रश्न अभी पढ़ा आपने कि आयत के अंदर से चतुर्थांश काट दिए गए थे, वो संयोजन था आयत का और त्रिज्या खंडों का। उसी प्रकार से अनेक क्वेश्चन आपके सामने अब आएंगे जिसमें आकृतियों का संयोजन होगा, यानी जुड़ाव होगा आकृतियों का। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेबल के ऊपर जो मेजपोश होता है वो ले लें, उसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइन मिलते हैं हमें। जैसे कोई खिड़कियां हों वो डिज़ाइनदार बनाई जाती हैं, ऊपर से वर्ताकार नीचे से आयताकार, इस प्रकार से उनके बारे में उनके क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 15.3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर एक पहला ही, एक 14 सेमी
भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करो। संयोजन ये है कि एक वर्ग दिया गया है वर्ग के अंदर, इस प्रकार से एक वृत्त काटा गया है। अब इस वर्ग की भुजा 14 सेमी है और पूछी है वृत्त की परिधि। 14 सेमी भुजा का वर्ग है, ये जो वर्ग है इसकी भुजा 14 सेमी है, इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है उस वृत्त की परिधि पूछी है। तो वृत्त की परिधि तब तक नहीं आएगी जब तक इस वृत्त की त्रिज्या नहीं आएगी। तो देखिए, इस प्रकार से ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास इस वर्ग की भुजा के बराबर ही होगा, क्योंकि वर्ग ऐसा है तो होता नहीं है कि ऊपर से चौड़ाई 14 सेमी और बीच में आकर के 12 का हो जाए फिर 14 का हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो वर्ग ही नहीं कहलाएगा। वर्ग तो वही होता है जो ऊपर से नीचे तक एक समान हो। यहाँ पर देखिए, स्पर्श कर रहा है ये वृत्त इसको। यहाँ पर अगर हम व्यास लें इसका, तो व्यास आपका आएगा 14 सेमी। व्यास अगर 14 सेमी आएगा तो आर आ जाएगी 7 सेमी। तो लिखेंगे, चूंकि वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग की भुजा। अब वृत्त का व्यास बराबर है भुजा, तो व्यास बराबर आ गया 14 सेमी, क्योंकि वर्ग की भुजा भी है 14 सेमी। अब व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 14 में 2 का भाग दे दें तो त्रिज्या आएगी 7 सेमी। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। अब हम आसानी के साथ वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो समस्या थी वो यही थी कि इस वृत्त की आर दी हुई नहीं है। अब आर हमने प्राप्त कर ली है तो परिधि में सूत्र लग जाएगा 2πr, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 7, 7 से 7 कट, 44 सेंटीमीटर। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।